महाराष्ट्र सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उपाध्यक्ष महाराष्ट्र सिनेमा रंगभूमि सांस्कृतिक और विकास महामंडल अमरजीत मिश्रा गोरखपुर को गोरखपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। गोरखपुर प्रवास के दौरान उपाध्यक्ष महाराष्ट्र सिनेमा रंगभूमि सांस्कृतिक और विकास महामंडल महाराष्ट्र सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि धर्म और संस्कृति के मामले में गोरखपुर देश का केंद्र है। ऐसे में आधुनिक यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र हो और आधुनिक परिवेश में जैसे कि फिल्मों को केंद्र माना जाता है। इस संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी वार्ता करेंगे, जिससे गोरखपुर में एक सांस्कृतिक केंद्र बने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उपाध्यक्ष महाराष्ट्र सिनेमा रंगभूमि सांस्कृतिक और विकास महामंडल अमरजीत मिश्रा ने कहा, सरोकारों से लोगों ने जुड़ाव रखते हुए बड़े पैमाने पर मदद की, पूरा महाराष्ट्र उमड़ पड़ा। तो और इसका एक महीने से इस महाजनादेश यात्रा में जो छोटे गांव थे, जिसकी 2000-3000 आसपास के इलाका था, उसमें 20-20 हजार लोग सुनने आए। गोरखपुर में बाबा गोरक्षनाथ की ये तपोभूमि है, तो मुझे यहाँ आने का अवसर मिलता है तब ऐसे भी लगता है कि सांस्कृतिक चेतना के लिए ऐसी जगहों पर आवश्यक है आना। तो मैं यहाँ पर एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम है गगहा में, तो उसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया हूँ। सर, महाराष्ट्र सरकार में सांस्कृतिक मंत्री हैं, गोरखपुर में किस तरीके नज़र देखना? मैं ऐसा मानता हूँ, धर्म के और संस्कृति के मामले में गोरखपुर केंद्र है, देश का केंद्र है, और ऐसे में यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र हो और आधुनिक परिवेश में जैसे फिल्मों को केंद्र माना जाता है, तो इस तरह का कोई रंगमंच की दृष्टि से यहाँ के कलाकारों के लिए उनकी कला और परिमार्जित हो, उसके लिए भी कोई ऐसी मुहिम शुरू हो। मेरी स्थानीय सांसद रवि किशन जी से भी बातचीत हुई और हम जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलेंगे कि आज जो युवा फिल्मों में जाना चाहता है, उसके लिए कोई उनको सिखाने के लिए भी कोई ऐसा केंद्र बने, और साथ ही उनको फिल्म में शूटिंग अगर कोई स्थल बन सकता है अगर फिल्म सिटी के लिहाज से, तो वो भी यहाँ बने, तो उन्हें मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जो भागकर जाना पड़ता है, ऐसे कलाकारों को यहीं पर सुविधा मिलेगी और वो यहाँ पर ही कुछ नया कर पाएंगे।